हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि आप कुशल मंगल से होंगे। तो दोस्तों, करते हैं आज एक नई वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ में। तो दोस्तों, आज है मेरे साथ में अजय और उसका बड़ा भाई है यहाँ पे विजय, और मेरे साथ में है यहाँ पे मेरी भाभी जी। तो दोस्तों, हम काफ़ी दूर से आ चुके हैं चाकिसन से, और आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पूरी तरह से पसीने से लथपथ हो चुके हैं। दोस्तों, एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये पेड़ को बीच से ये छिल रखा है और काफ़ी लंबा है। ये लकड़ी को जो छिल रखा है, ये आती है बकरियों को चारा खिलाने के काम। दोस्तों, अगर मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही प्यारा दिखाई दे रहा है, और आज बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की बारिश आ रही है, और यहाँ से आप देख सकते हैं नज़ारे, ताराकुंड, कोटेश्वर महादेव, कुटगंडाई, हैंगार, मैराली, और ये देख सकते हैं आप चाकिसैन बांचकोट का बहुत ही प्यारा व्यू, और यहाँ से कांडेई पैलार, और ये मेरा गांव मुरखुला, और आगे कोटी का बहुत ही प्यारा नज़ारा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मैं आज वीडियो तो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन इतने प्यारे नज़ारे दिखे तो सोचा कि क्यों नहीं आपके साथ भी इन प्रकृति के नेचर को शेयर किया जाए। तो दोस्तों, आपको कैसे लग रही वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और आप हमारी वीडियो का आनंद सबसे पहले लें। तो दोस्तों, देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और दोस्तों, ये है खरक। दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूं एक प्यारी सी डेस्टिनेशन पे, और ये है बांचकोट का खरक। खरक बोलते हैं दोस्तों यहां पे, जहां पे अपने भैंसों को कुछ टाइम के लिए, जैसे आजकल बरसात के दिनों में रखते हैं लोग, यहाँ पर अपने भैंसों को ला के रखते हैं और जंगल में चुगाते हैं, और यहाँ पे ये बना रखा है खरक, और काफ़ी जगह पे इसको मरुड़ा भी कहते हैं। और इस प्यारे नेचर में यहाँ पे जो मंदिर दिखाई दे रहा है, ये है नागराज देवता का मंदिर। तो जय नागराज देवता, सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखना। और भाभी जी थक गए हैं काफ़ी, और भाभी जी बैठ गए हैं यहाँ पर तोन डाल के सैंड में। भाभी जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है चढ़ाई चढ़ने में, हमें आदत भी है और हमें अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों, पहाड़ की नारी सब पे भारी ऐसी नहीं होती है। और ये है विजय, और ये है जय। ये अपने सूट में लगे हुए हैं, इन्होंने बहुत समय के बाद इन्होंने ये नेचर को फील किया है। तो विजय भाई, आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? आवाज़ आप तो दिल गार्डन गार्डनर हो रहा है जय। आप तो बहुत पहले आए थे ना यहाँ पे, जैसे कि बचपन में हम इन जगह खेलता था, ये रहता था ज़्यादातर दोस्तों के साथ। उसके बाद फिर बड़े हुए, अपने अपने कामों में लग गए, फिर दो तीन साल बाद आ रहा हूँ अभी फिलहाल। तो दो तीन सालों के बाद विजय भाई ने अपनी यादें ताजी की, और अजय तो इन पहाड़ों में घुल मिल चुका है। और अजय भाई, आप कुछ बोलना चाहते हो? अरे कुछ, ये बहुत ही शर्मिंदे मिजाज का लड़का है, जैसे कि आज के टाइम पे ऐसे लड़के मिलने बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे बनी हुई है एक खाल, और खाल में काफ़ी पानी अभी संरक्षित हो रखा है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा चीड़ का पेड़ सूख चुका है दोस्तों, इसकी वैलिडिटी ख़त्म हो चुकी है, और अब लगभग ये पेड़ रहा होगा 100 साल तो रहा होगा, और इसकी भी वैलिडिटी ख़त्म हो गई है। यहाँ पर दोनों पेड़ सूख चुके हैं। और यहाँ पे अभी काफ़ी बारिश आ रही है, और जिस वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अभी,
और यहाँ पे हम चीड़ के पेड़ के नीचे हैं। लेकिन दोस्तों आजकल चीड़ के पेड़ के नीचे ज़्यादा देर तक भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिजली गिरने का ख़तरा भी होता है। और भाभी का छाता मेरे पास आ गया है और भाभी अब बीक के जाएगी। और यहाँ पे भाभी, अजय और विजय, अभी ये तीनों के तीनों बिक के जाएंगे और मैं वीडियो बनाते जाऊंगा। और मेरे को छाता मिल गया भाई, यही होती है ब्लॉगर की पावर। हीटा 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 और दोस्तों काफ़ी तेज़ बारिश है, जैसे कि आप छाते की आवाज़ से महसूस कर सकते हैं। छाते की आवाज़ से पता लग रहा होगा कि कितनी तेज़ बारिश आ रही है। और भाभी का फ़ोन भीगने वाला है। भाभी फ़ोन भीगने वाले यारो की सुन ना। और भाभी का फ़ोन मैं जेब में रख दूंगा। मैं की सुंदर। और भाभी का फ़ोन आ गया है अब मेरे जेब में और भाभी जा रही है। तकबीरी बिजली पानी एक लम्पो जगौंदा, तक कुकर बिरावा एक गड़ी भैंसियों पिजौंदा, तू मनी प्लांट वाली मेरे चकनरेंगे डाली, मैं धर को पानी वालो तू बिस लहरी वाली। जय घन्याल देवता की, घन्याल के मंगर में। और घन्याल देवता का मंदिर यहाँ पे है, काफ़ी हाइट पे है, बहुत ऊंची चोटी पे है ये घन्याल देवता का मंदिर, और इसको कहते हैं घन्याल का मंगर। और भाभी लोग तो भाग गए भाई, मैं रह गया यहाँ पे। और आजकल बरसात के दिनों में यहाँ पे खूब सारा पानी आ रहा है, गर्मियों में भी काफ़ी रहता है, बट आजकल बरसात की वजह, बारिश की वजह से काफ़ी पानी बढ़ चुका है। Thank you.